आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर 2 को लेकर आया हूँ जिसमें जो है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट यानी कथनों की सत्यता जांच के ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है महत्वपूर्ण अभी हम लोग जो है 40 प्रश्न करने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़रूर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये 40 प्रश्न में से कितने आपके आ रहे हैं, कितने आपके नंबर आए। क्योंकि इससे पहले चैप्टर 1 में जो है हमने जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड थ्योरी प्लस आपके ऑल टाइप्स के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो देख लीजिएगा आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और यह वीडियो देखिएगा आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जो है एक नंबर के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न जो होते हैं थोड़े से लॉजिकल होते हैं, थोड़े से आपके तार्किक सोच को बताता है, बाकी आपके इजी प्रश्न है। और इसमें आपके जो है कोई भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, समझ गए। तो हम अब इसके प्रश्न वो करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग प्रश्न वो करेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें जो है क्लियर होते जाएगी। बस एक कंसेप्ट पर इस पर होता है, अगर बातों को समझ गए तो आप आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि संगीत में सदैव होता है, संगीत जो होता है उसमें हमेशा क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका गायक दल, गायक और तबला, और यहाँ पर शब्द। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो संगीत होता है उसमें हमेशा क्या होता है, संगीत जो होता है कैसे लिखा जाता है, शब्दों से लिखा जाता है। तो संगीत में जो है हमेशा शब्द होता है। लेकिन आप लोग बोलिएगा सर गायक दल, गायक और तबला, तो यह क्या हो जाएगा, एक मंडली का हो जाएगा, गायक मंडली का एक समूह होगा जिसमें जो है ये सब हो सकता है। लेकिन संगीत में सदैव जो होता है क्या होता है, संगीत है तो वहाँ पर शब्द है, लेकिन समझ गए। अगर गायक समूह है तो, अगर गायक है, गायक दल है, तबला नहीं भी है तो भी गा देगा, लेकिन संगीत जो है बिना शब्द का नहीं लिखा जा सकता है, समझ गए। अगला यहाँ आपका प्रश्न है कि चिंता में सदैव होता है, यहाँ पर देखिए चिंता में सदैव क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका है कि परेशानी, बेचैनी, और यहाँ पर असहयोग और मार्मिकता, समझ गए। तो बताइए चिंता में हमेशा क्या होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति जो देखते हैं चिंता रहता है ना, तो वह परेशान होता है कि बेचैनी में रहता है, कि असहयोग रहता है, कि मार्मिकता रहता है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति को चिंता होता है ना तो वह बेचैनी में होता है, समझ गए। अगर चिंता है तो वह बेचैनी में रहेगा, इधर उधर भटकेगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ आपका 3 नंबर प्रश्न है कि खतरा में हमेशा होता है, खतरा डेंजर जो होता है खतरा में हमेशा क्या होता है, दुश्मन, हमला, भय और मदद। बताइए, काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। खतरा में हमेशा व्यक्ति को क्या लगता है, अब तो समझ में आ गया होगा, भय लगता है ना, डर लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके हैं, 40 प्रश्न कर लेते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपको एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, समझ गए। अब हम 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि न्याय में हमेशा होता है, देखिए न्याय जो है में हमेशा क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं पाखंड, उदारता, प्रामाणिकता और छोटापन। तो बताइए न्याय में हमेशा क्या होता है। तो देखिए न्याय में हमेशा न्याय कब मिलता है, जब हम लोग किसी चोर या किसी डाकू के खिलाफ जो है प्रामाणिकता देते हैं कि हाँ भाई इसने यह चोरी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका C3 हो जाएगा, समझ गए। कि न्याय में हमेशा क्या होता है, आपका प्रामाणिकता होता है, बिना प्रमाण का न्याय नहीं मिलता है, समझ गए। अगला यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि एक पहाड़ी में सदैव होता है, एक पहाड़ी में सदैव क्या होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं वृक्ष, जानवर, जल और ऊंचाई। तो ये तो कर ही सकते हैं ना, देखिए एकदम इजी प्रश्न है, एक पहाड़ी में हमेशा या सदैव क्या होता है। तो अगर पहाड़ी है, इस तरह का पहाड़ है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा जो है देखते होंगे इस तरह का पहाड़ को, हमेशा क्या होता है, ये क्या है, ऊंचाई, समझ गए, ये क्या है, ऊपर ऊंचाई है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 नंबर, समझ गए, ऊंचाई होता है, एक पहाड़ी में सदैव ऊंचाई होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों क्लासेस कराई जाती है 0 लेवल से आपको, ताकि आप कभी पढ़े भी नहीं है तो भी आपको समझ में आएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वायुमंडल में सदैव होता है, वायुमंडल आप सभी लोगों को मालूम है कि वायुमंडल में क्या होता है सदैव। यहाँ पर ऑप्शन है ऑक्सीजन, हवा,
जीवाणु, यहाँ पर आपका नमी और यहाँ पर धूल। यहाँ देखिए पांच पांच ऑप्शन दे दिया है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पांच ऑप्शन है तो सबको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए बताइए, वायुमंडल में सदैव होता है क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है कि हवा होता है कि जीवाणु होता है कि नमी होता है कि धूल होता है? तो देखिए जो आपका वायुमंडल है उसमें हमेशा जो है हवा होता है। वायुमंडल मतलब देखिए वायु का मतलब ही है हवा, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका दो नंबर हो जाएगा। समझ में आया? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला आपका सात नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि एक ट्रेन में सदैव रहता है, एक ट्रेन में हमेशा क्या रहता है बताइएगा? यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, इंजन, पहिया, चालक, गार्ड और सवारी, बताइए क्या रहता है? एक ट्रेन में हमेशा क्या रहता है? इंजन, पहिया, चालक, गार्ड, सवारी। देखिए एक ट्रेन में हमेशा जो है आपका इंजन लगा होता है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका वन हो जाएगा। पहिया नहीं हो तो भी चलेगा, चालक नहीं हो तो भी चल सकता है, गार्ड नहीं हो तो भी चलेगा, सवारी नहीं है तब भी चलता है, लेकिन बिना इंजन का ट्रेन नहीं चलता है, समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न आपका एट नंबर है कि बहादुरी में सदैव होता है, जो आपका बहादुरी है इसमें हमेशा क्या होता है? साहस होता है कि अनुभव होता है कि शक्ति होता है कि ज्ञान होता है, बताइए? तो देखिए बहादुर में आपका हमेशा जो है निम्नलिखित में से जो है क्या होता है? साहस होता है। जब भी बहादुर व्यक्ति को देखिएगा वो साहसपूर्ण रहता है, समझ गए? अनुभव नहीं होता बहादुरी में, शक्ति भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता है, बहादुर व्यक्ति में साहस होता है, समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है नाइन नंबर कि एक कार में सदैव रहता है, एक कार जो है उसमें क्या रहेगा? हमेशा, हमेशा की बात कर रहे हैं ना, चालक, बॉयनेट, डिक्की, बम्फर, चक्का, तो बताइए एक कार में हमेशा क्या रहता है? तो एक कार में ड्राइवर रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन ठीक है, वॉलेट वॉलेट रहे ना चाहे नहीं रहे, डिक्की रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बम्पर रहे चाहे नहीं रहे चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कार में हमेशा जो है चक्का रहता है, बिना चक्का का कार नहीं चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका पाँच नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है दस नंबर, नाटक में सदैव रहता है, नाटक जो होता है उसमें क्या रहता है हमेशा? कलाकार, कहानी, सेट, निर्देशक, दर्शक। तो देखिए नाटक में जो है आपका हमेशा मतलब सदैव जो है कुछ ना कुछ कहानी रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका दो नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 11 नंबर है कि एक पेड़ में सदैव होता है, एक पेड़ जो है मानने की एक ऐसा पेड़ कोई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं पेड़ हमारा, तो एक पेड़ में हमेशा क्या होता है? पता, देखिए शक्ति, सॉरी शाखा, पत्ती, फल, जड़ और छाया। तो देखिए एक पेड़ में शाखा नहीं है तो भी चलेगा, पत्ती नहीं है तो भी चलेगा, फल नहीं है तो भी चाहे चलेगा, छाया दे या नहीं दे फिर भी उसे हम कह सकते हैं, लेकिन जब उसमें जड़ नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? जब उसमें जो है जड़ नहीं रहेगा तो क्या वह पेड़ खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका चार नंबर। समझ गए कि एक पेड़ में सदैव जो होता है जड़ होता है, शाखा, पत्ती, छाया, फल के बिना पेड़ रह सकता है लेकिन बिना जड़ का पेड़ जो है नहीं रह सकता है, आप सभी लोगों को मालूम है, अगर इसके अंदर जड़ नहीं रहे तो ये क्या पेड़ रहेगा? सूख जाएगा नहीं तो गिर जाएगा, समझ गए? जड़ जो होता है इस पेड़ को और मिट्टी को पकड़ कर रखता है ताकि खड़े होता है, समझ गए? स्तंभ की तरह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए यही प्रश्न क्लियर हो गया। 12 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न है कि एक कमल के फूल में सदैव होता है, एक कमल का फूल आपने देखा होगा इस तरह का, तो इसमें हमेशा क्या होता है बताएं मुझे? एक कमल के फूल में हमेशा क्या होता है? पंखुड़ी, कीचड़, जड़, पानी, बताइएगा क्या होता है? तो देखिए आपका एक कमल का जो फूल है उसमें हमेशा आपका जो होता है पंखुड़ी होता है हमेशा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका वन हो जाएगा, पंखुड़ी होगा ही तो ही, अगर पंखुड़ी तोड़ दे तो ये कहाँ से होगा कमल का फूल, समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि बीमारी में सदैव होता है, जो बीमारी होता है इसमें हमेशा क्या होता है, सदैव क्या होता है? उपचार, दवा, कारण, जीवाणु और मरीज, बताइए बीमारी में सदैव क्या होता है? आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके कहाँ क्या है। तो देखिए बीमारी में सदैव जो होता है कारण होता है कि किस कारण से यह बीमारी हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका तीन हो जाएगा। कई ऐसे बीमारी होते हैं जो बिना उपचार के भी ठीक हो जाते हैं, कई ऐसे बीमारी होते हैं जो बिना दवा के ठीक हो जाते हैं, कई ऐसे बीमारी होते हैं जो जिसमें जीवाणु नहीं होता है, कई ऐसे बीमारी होते हैं जिसमें मरीज नहीं होता है, ये ऐसा बोल सकते हैं, या बीमारी में मरीज तो होते नहीं है, लेकिन बीमारी जो होता है सदैव कोई ना कोई कारणवश ही होता है, समझ गए? कोई भी बीमारी हो, आँख नहीं, आँख से देखने में दिक्कत है तो कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हुआ होगा, ये ज़्यादा मोबाइल चला रहे होंगे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, समझ गए?
अगला यहाँ पर आपका प्रश्न जो है 14 नंबर, कि एक जानवर में सदैव होता है, एक जो जानवर होता है उसमें हमेशा क्या होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, फेफड़ा, चमड़ा, मस्तिष्क, हृदय और जीवन। एक जानवर में हमेशा क्या होता है, आप सभी लोग मुझे बताइए। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो, उसमें हमेशा क्या होता है, जीवन होता है। फेफड़ा रहे नहीं कोई चलेगा, चमड़ा भी रहेगा नहीं रहेगा चलेगा, मस्तिष्क है या नहीं है पागल कुत्ता ही है कोई दिक्कत नहीं है, हृदय है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हृदय तो सब में रहता ही है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि एक जानवर, कितने बच्चों में हृदय भी नहीं होता, समझ गए, कितने जानवर में, तो एक जानवर में जो है हमेशा उसका जीवन होता है, अगर जीवन नहीं होता वो तो जानवर मर जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी नंबर, मतलब सॉरी 5 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, एक दौड़ में हमेशा होता है, बताइए एक दौड़ जो होता है उसमें क्या होता है, निर्णायक, दर्शक, प्रतिद्वंद्वी, इनाम और विजय। तो देखिए, एक दौड़ में जो है आपका हमेशा जो है प्रतिद्वंद्वी होता है, समझ गए। अगर आप दौड़ लगाइएगा इस तरह से, तो केवल आप अकेले तो नहीं दौड़िएगा, आपके साथ कोई और प्रतिद्वंद्वी होगा आपका, या आपका कोई कंपटीटर होगा, तो वही बात हो गया यहाँ पर, समझ गए। दर्शक हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, विजय हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, इनाम मिले या नहीं मिले, निर्णायक हो या नहीं हो उससे नहीं मतलब, लेकिन कोई ना कोई प्रतिद्वंद्वी तो होना चाहिए ना, तब ना हम रेस लगाएंगे, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि एक दर्पण में सदैव होता है, एक आपका यहाँ पर एक मिरर है, तो इसमें सदैव क्या होता है, पर्यावर्तन, पीछे लौटना, विकृत करना, अपवर्तन, सच, खोज लेना, बताइए। तो एक जो है आपका मिरर है वह किस तरह का होता है, परिवर्तन होता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तो ही ना हम लोग देख पाएंगे परिवर्तन होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि एक कैमरा में हमेशा होता है, कोई एक इस तरह का कैमरा लेकर आप चले हैं, इस तरह का मान लें कि ये कैमरा है, यहाँ पर कुछ कर दें, ये कैमरा हो गया आपका, यहाँ पर निकॉन लिख दें, इस तरह से लगा दें, तो एक कैमरा में जो है क्या रहेगा हमेशा, लेंस, रील, क्षणिक प्रकाश या फोटोग्राफ या स्लैटेड, बताइए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक कैमरा में हमेशा जो है लेंस होगा, बिना लेंस का कोई कैमरा नहीं होता है, अगर यहाँ पर लेंस ही नहीं हो तो क्या यह कैमरा यूज होगा, नहीं होगा ना, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि एक पहाड़ में सदैव होता है, श्रेणी, चोटी, बर्फ, घाटी, एक इस तरह का कोई पहाड़ है तो इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होता है, बताइए। आप सभी लोगों को ऊपर मैंने बताया है कि एक पहाड़ में ऊपर दिया था मैंने, ऊंचाई बताया था, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई नहीं है तो यहाँ पर ऊंचाई ऑप्शन नहीं होगा, तो बताएं क्या होगा। तो देखिए, चोटी होता है, वही ऊंचाई को चोटी ही बोला जाता है, ये वाला ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पिक होता है ना, ये देखिए, ये जो आपका पर्वत होता है इसका पिक होता है, ये क्या होता है, चोटी बोलिए या ऊंचाई बोलिए, समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं 19 नंबर, एक किताब में सदैव होता है, कोई बुक ले लेते हैं इस तरह का, तो इसमें क्या होता है, अध्याय, पृष्ठ, विषय वस्तु, तस्वीर या दृष्टांग। देखिए, पता तस्वीर हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, दृष्टांग हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, विषय वस्तु हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो विषय वस्तु से, कुछ भी हो, अध्याय हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, लेकिन एक मतलब की बुक में पृष्ठ होना बेहद जरूरी है, पन्ना होना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आपका 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक घड़ी में सदैव होता है, एक जो घड़ी इस तरह का होता है इसमें क्या होता है सदैव, बताइए, बैटरी, संख्या, अलार्म, सुई, फ्रेम। देखिए, तो यहाँ पर आप फंस जाइएगा, मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बोलिएगा कि एक घड़ी में हमेशा क्या होता है। तो देखिए, एक घड़ी में जो है हमेशा सुई होता है, मतलब एक घड़ी में सदैव जो है सुई चलते रहता है, वही बात है ना, उसमें दिखाई दे या नहीं दे लेकिन फिर भी सुई जो है चलते रहता है, तभी तो टाइम चेंज होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 21 नंबर है कि एक मरुधान में हमेशा होता है, मुसाफिर, पानी, बालू, ऊंट, जंगल। तो देखिए, मरुधान में हमेशा जो है आपको मैं बता दूँ कि आपका बालू होता है, एक मरुस्थल इस तरह है, तो एक मरुस्थल है तो वहाँ पर तो बालू होगा ही होगा ना, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि एक बल्ब में हमेशा होता है, एक बल्ब जो है उसमें हमेशा क्या होता है, कि अगर इस तरह का हम बल्ब यहाँ पर लगा दें या इस तरह का बल्ब हम कर दें, ये देखिएगा हम बल्ब बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह का मैंने यहाँ पर बल्ब लगा दिया इस तरह का, तो बताइए कि एक बल्ब में हमेशा क्या होता है। यहाँ पर देखिए, फिलामेंट, प्रकाश, शीशा, धाग, धारा और आर्गन। तो देखिए, आप बताइए, सोच समझ के बताइए कि एक बल्ब में जो है हमेशा क्या होता है। तो आपने बचपन में बल्ब देखा होगा, तो एक बल्ब में जो है हमेशा फिलामेंट होता है, क्योंकि बिना फिलामेंट का जो है बल्ब नहीं कार्य करेगा, नहीं जलेगा, तो उस बल्ब तो होगा नहीं, तो वही बात यहाँ पर हो गया कि प्रकाश तो होता ही है,
लेकिन बॉल में पूछा ना, एक बॉल में हमेशा जो है आपका फिलामेंट होता है, समझ। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 23 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यालय में हमेशा होता है। देखिए, अगर आपका एक विद्यालय है इस तरह का, तो इसमें हमेशा जो है आपका क्या होगा बताएं मुझे। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, प्राचार्य, यहाँ पर इमारत, पुस्तकालय, शिक्षक और यहाँ पर वर्ग। तो देखिए, एक विद्यालय में हमेशा आपका जो है शिक्षक रहता ही रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएंगे, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका 24 नंबर है कि एक पंखा में हमेशा होता है, एक पंखा जो है उसमें हमेशा क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, स्विच, ब्लेड, विद्युत धारा, तार और रेगुलेटर। तो अगर एक यहाँ पर इस तरह का कोई पंखा है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा होगा बताइएगा, वैसा सोच के बताइएगा, स्विच होगा कि ब्लेड होगा कि विद्युत धारा होगा कि तार होगा कि रेगुलेटर होगा। तो देखिए, एक पंखा में मैं आपको बता दूं कि ब्लेड जो होगा जरूर होगा। ये जो आप ब्लेड देख रहे हैं ना, ये पत्ती, अगर ये पत्ती नहीं हो तो फिर पंखा कैसे चलेगा, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। बाकी स्विच हो या नहीं हो फिर भी चला देंगे, विद्युत धारा तो नहीं तो इन्वर्टर पर चला देंगे, समझ गए इस तरह का। रेगुलेटर नहीं हो तो भी चलता है, स्पीड नहीं चलता लेकिन चलता है। तार हो या नहीं हो, किसी तरह भी जोड़ दिया जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर पंखा नहीं है तो क्या वो होगा। सदैव के लिए बोला है, तार हमेशा नहीं होता, रेगुलेटर भी हमेशा नहीं होता, विद्युत धारा भी हमेशा नहीं होता है, स्विच भी हमेशा ऑन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि एक पंखा में हमेशा होता है, तो वह जो होता है आपका ब्लेड, जो कि हमेशा होता है, समझ गए। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, 25 नंबर, कि दूध में हमेशा होता है बताइए, चीनी, वसा, कैल्शियम, पानी। तो दूध जो हम लोग खाते हैं या पीते हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है, कैल्शियम। तो अगर हम दूध खाएंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, वसा तो मिलेगा नहीं, चीनी भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। पानी कभी कभी मिल जाता है लेकिन हमेशा नहीं मिलता, समझ गए। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी समय हो रहा है आपका अप्रॉक्स 6 बजने वाले हैं, 6 बज रहे हैं, और अभी बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा साउंड इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जा रहे हैं मुहूर्त को लेकर नदी किनारे। इसलिए यहाँ देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है कि एक अस्पताल में हमेशा होता है बताइएगा, नर्स, कमरा, टेलीफोन, डॉक्टर, बिस्तर। अगर एक कोई अस्पताल है तो वहाँ पर हमेशा कौन उपस्थित रहेगा, वहाँ पर हमेशा जो है डॉक्टर रहता है, चाहे कोई भी डॉक्टर हो हमेशा आपको मिलेगा। नर्स भाग जाए कोई दिक्कत नहीं, कमरा हो या नहीं हो, टेलीफोन हो या ना हो, बिस्तर हो या ना हो, ज़मीन पर ही लेटे हुए हैं मरीज, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, समझ गए। लेकिन ऐसा होता भी है, लेकिन पढ़ते वैसा तो है लेकिन रियल में कभी कभी मिलते भी नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है, एक समाचार पत्र में हमेशा होता है बताइए, एक समाचार पत्र जो है उसमें हमेशा क्या होता है, विज्ञापन, समाचार, संपादक, कागज, तारीख, बताइएगा। तो देखिए, एक समाचार पत्र में हमेशा जो है आपका समाचार होता है, बिना समाचार का कोई समाचार पत्र होगा नहीं, ना होगा, कुछ ना कुछ तो छापना पड़ेगा ना। तो यही बात है, इसका आंसर ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जरूर आप सभी लोग अच्छे से लगाइएगा, अच्छे से आप पढ़िएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप कितने मार्क्स आ रहे, समझ रहे हैं। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि रजाई में हमेशा होता है बताइएगा, एक रजाई जो होता है उसमें हमेशा क्या होता है, रुई होता है, आवरण होता है, प्रिंट होता है, फीते की गुंडी होता है, बताइएगा। तो एक रजाई में जो है हमेशा आपका जो है रुई होता है, बिना रुई का कोई रजाई देखे हैं क्या, बिना रुई का आपका रजाई नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें रुई होता ही होता है, समझ गए। अगला यहाँ आपका 29 नंबर प्रश्न है जो कि देख लेते हैं, एक कारखाना में हमेशा होता है, एक कोई कारखाना है, मान लें कि कोई कार बनाने वाला खाना है, जहाँ पर हमेशा क्या होगा, बिजली होगा, चिमनी होगा, मजदूर होगा, फाइल होगा, विक्रेता होगा, बताइए। तो एक कारखाना में हमेशा आपका जो है मजदूर कार्य करते रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई कारखाना बड़ा सा है तो वहाँ पर नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, मिड डे शिफ्ट, मिड नाइट शिफ्ट, बहुत सारे शिफ्ट जो है चलते हैं, समझ गए। तो एक कारखाना में हमेशा जो है क्या होता है, मजदूर होता है, समझ गए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि हीरे में हमेशा होता है बताइए, जो यहाँ पर डायमंड है यहाँ पर हमेशा क्या होता है, कड़ापन, चमक, इस्तेमाल, चालकता या तेज। तो देखिए, एक हीरा जो होता है आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हीरा कैसा पदार्थ है, एक कठोर पदार्थ है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा कड़ापन होगा, समझ गए। बहुत सारे बच्चे जो है बोल रहे हैं कि चमक होता है, लेकिन चमक नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि चमक जो होता है वो उसे तराशने के बाद आता है, जब हीरा इस तरह का मिलता है ना कहीं पर, तो इसको बहुत तराशा जाता है तब जाकर जो है इसमें चमक आ जाता है, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 31 नंबर प्रश्न है कि एक खिड़की में हमेशा होता है बताइएगा, एक जो खिड़की है उसमें क्या होता है हमेशा, पर्दा, नहीं, कांच की पट्टी, ग्रिल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक खिड़की में हमेशा जो है ना ग्रिल होता है, ना पर्दा होता है,
ना कांच की पट्टी होता है, उसमें हमेशा एक दीवाल होता है, क्योंकि बिना दीवाल का तो कोई मतलब आपका खिड़की रुकेगा नहीं, समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, समझ गए? अगला यहाँ पर आपका 32वां प्रश्न है कि एक बच्चे का हमेशा होता है, बताइएगा एक बच्चे का हमेशा क्या होता है, खिलौना, दोस्त, माता पिता या शिक्षा? तो देखिए एक बच्चे का जो है हमेशा क्या होता है, तो उसके जो है मैं आपको बता दूं कि माता पिता होते हैं। अगर माता पिता होंगे तो ही ना वो बच्चे होंगे, तो बच्चे भगवान के तौर पर थोड़ी आते हैं, माता पिता के ही ना मतलब मिलन से बच्चे आते हैं। तो वही बात है कि एक बच्चे का हमेशा कौन होता है, माता पिता होता है, चाहे वो रहे या नहीं रहे, लेकिन माता पिता होता है, समझ गए? हमेशा होता है, जिंदा है या मर गए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी का रोल माता पिता का ही स्वरूप है बच्चा। अगला यहाँ पर आपका 33 नंबर है कि एक जूते में हमेशा होता है, एक जूता जो है उसमें हमेशा होता है, क्या होता है? फीता होता है, चमड़ा होता है, डिज़ाइन होता है या तलवा होता है? एक इस तरह का जूता मान लें, इस तरह का खाली जूता है, ये लीजिए मैं जूता बना दिया, अप्रॉक्स मैंने जूता बना दिया, यहाँ पर फीता लगा लीजिए। तो एक जूता में जो है हमेशा क्या होता है, फीता होता है, चमड़ा होता है, डिज़ाइन होता है, तलवा होता है? तो देखिए आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जूता में फीता रहे चाहे नहीं रहे, चमड़ा रहे चाहे नहीं रहे, डिज़ाइन रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन तलवा होना ज़रूरी है, मतलब कि नीचे वाला सोल, अगर ये सोल ही नहीं रहेगा तो फिर जूता कैसे रहेगा, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक कलम में हमेशा होता है, एक जो कलम इस तरह का आप देखते हैं पेन लिखने वाला, तो इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ट्यूब, कैंप, कैप, होल्डर, स्याही, नीब, बताइएगा? तो एक कलम में, मेरी बात को समझिएगा पूरा ध्यानपूर्वक, हमेशा जो है नीब होता है, बिना नीब का कोई कलम नहीं होता है, नीब मतलब ये वाला, ये जो इसमें लगा होता है, समझ गए वो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा, समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब 5 प्रश्न और है, आप सभी लोग कर लीजिए, फिर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि एक मनुष्य में होता है दांत, पांव, आँख, हाथ, हृदय, बताइए एक मनुष्य में क्या होता है, हमेशा जो होता है क्या होता है, उसका हृदय होता है। दांत छोड़ सकता है, पांव भी कट सकता है या रुक सकता है, आँख भी बंद हो सकता है, हाथ भी, लेकिन हृदय हमेशा चलते रहता है, समझ गए? हमेशा हृदय रुक गया मतलब व्यक्ति मर गया, समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन 5 नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि एक मरुस्थल में हमेशा होता है, अभी ऊपर हमने जाना ना, एक मरुस्थल में हमेशा रेत होता है, बिना रेत का जो है मरुस्थल कैसा, समझ गए? तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि एक देश के लिए आवश्यकता है क्या है, प्रधानमंत्री, सेना, क्षेत्र, उद्योग? तो एक देश के लिए जो है हमें जो है क्या आवश्यकता है, तो क्षेत्र बहुत जरूरी है, क्षेत्र होगा तो ही ना हम लोग उसको देश बना सकते हैं, प्रधानमंत्री सेना रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हमें देश बनाने के लिए कम से कम एरिया चाहिए ना, क्षेत्र, समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है आपका कि जल में सदैव होता है, जो वाटर होता है, पानी में हमेशा क्या होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा पानी में हमेशा जो है ऑक्सीजन होता है, O2, समझ गए, O2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। CO2 तो होता नहीं है, गैस है, नाइट्रोजन भी, Na मतलब सोडियम नहीं होता है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है, समझ गए? तो इसका क्या हो जाएगा, O2, पानी में देखिएगा तो जल में, जल का जो मिश्रण होता है उसमें ऑक्सीजन रहता है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला है, धूप में सदैव होता है, धूप जो होता है, प्रकाश जो आता है इस तरह का, तो इसमें क्या होता है, सदैव क्या होता है, हवा होता है कि पानी होता है कि धूल होता है कि ऊष्मा होता है? देखिए धूप देखिएगा आप तो उसमें आपको जो है ऊष्मा सदैव होता है, धूप निकला मतलब गर्मी, तो गर्मी का मतलब कि ऊष्मा, समझ गए? अगला यहाँ पर आपका 40 नंबर है जो कि अंतिम प्रश्न है, एक सिनेमा में सदैव होता है, एक कोई सिनेमा है तो उसमें क्या होगा, सदैव विलेन, हीरो, कहानी, रंगकर्मी? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी फिल्म हो उसमें जो है कहानी जरूर होता है, चाहे कोई भी कहानी हो, गलत हो सही हो, लेकिन बिना कहानी का कोई सिनेमा नहीं होता है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। तो 40 प्रश्न मैंने आपको कराया, तो आप सभी लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग कमेंट करें कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, इतना इजी प्रश्न था, आप सभी लोगों का 30+ तो आना चाहिए, समझ गए? जिनका भी 30+ आया है प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को हाईलाइट करूँगा, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, गाते रहें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, ओके?